एक्चुअली में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा जो कोई आपको बता नहीं रहा होगा तो वो ये है कि जो मैक्सिमम जो फंडिंग आई है वो एक करोड़ की डिनोमिनेशन में है जो इंडिकेट करता है कि एक्चुअली मेजोरिटी नाइनटी फोर परसेंट कॉरपोरेट फंडिंग थी इंडिविजुअल फंडिंग नहीं थी नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है पीपोई में मैं हूं आकाश और आज हम बात करने वाले हैं इस प्लेटफॉर्म पे एक ऐसे विषय के बारे में जो आप सबको हम सबको बहुत प्रभावित करता है अगर आप एक ऐसे कंसर्न वोटर हैं जो चाहते हैं कि आपका देश सही हाथों में हो आप चाहते हैं कि सही गवर्नमेंट चुनी जाए तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वोटर्स परस्पेक्टिव से है ये किसी फैन की परस्पेक्टिव से नहीं है किसी पोलिटिकल पार्टी के फैन के परस्पेक्टिव से नहीं है किसी इंडिविजुअल के फैन के परपेक्टिव से नहीं है मैं बस आपको बताना चाहता हूँ अवगत करना चाहता हूँ एक ऐसी महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में जो सुप्रीम ने 11 मार्च को दी जो कि था कल उन्होंने एस को एक कठोर डांट लगाई बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मास्टर जी एक बच्चे को जो काम नहीं करता होमवर्क करके नहीं लाता उसको डांटते हैं ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उन्होंने वैसी डर लगाई एस के रिप्रेजेंटेटिव सालवे जी को आ, पहले आपको बताना जरूरी है मैं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की बात कर रहा हूँ इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में आपका जाना जरूरी है कुछ लॉबीज आपको इसके बेनिफिट बताएंगे तो कुछ लॉबीज आपको ये बताएंगे कैसे बस खराब है पर मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ की इसके रीजन क्या थे क्यों बीजेपी इसको दो में कराई इसके बेनिफिट्स क्या देखे उन्होंने और एक्चुअली में बेनिफिट्स हैं भी या नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने क्यों ऐसी कठोर जजमेंट सुनाई है क्यों सुप्रीम कोर्ट ने स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया और क्यों एसबीआई को बोला है कि 12 मार्च के एंड ऑफ बिजनेस डे मतलब आज शाम के 5 बजे तक आई डोंट नो व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो बट अगर आप देख रहे हैं 12 मार्च को तो आज 5 बजे तक

डिक्लेयर नहीं होगा गुप्त रखा जाएगा जिससे ऑब्वियसली उसकी सेफ्टी एस्टैब्लिश हो सके ना ये एक फिक्स डिनोमिनेशन के अमाउंट में आप दे सकते हैं ये आर को निर्देश दिए गए कि वो ये इशू करें एस को एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की एज अ रिस्पॉसिबिलिटी कि आप सब मैनेज करेंगे तो आप किसी को इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदने वो एस बी से जाकर खरीदे और उसको अपनी पॉलिटिकल पार्टी को दे दे जो इन कैश कर सकते हैं एंड देन दे कैन यूज दिस मनी फॉर देर इलेक्शन कैंपेनिंग एंड रनिंग देर गवर्नमेंट तो अब आप में से कई लोग बोल रहे हैं भाई ऐसे कैसे क्या ये सही है क्या ये गलत है तो पहले समझते हैं कि मतलब सही क्यों है और क्यों गवर्नमेंट इसको लेकर आई तो पहले इसके पहले बहुत सारे ब्लैक मनी के रूप में बहुत सारी डोनेशन दी जाती थी पॉलिटिकल पार्टीज को और उस ब्लैक मनी को उस कैश को एलिमिनेट करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि इसको डिजिटल कर देते हैं डिजिटल करेंगे करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू सो दैट इज द मेन मकसद जो कि इसकी अच्छी बात थी वो चाह रहे थे कि ट्रांसपेरेंसी आए अब क्योंकि स्ट्रक्चर प्रोसेस होगा रेगुलेटेड होगा तो ऑब्वियसली इसको ट्रैक करा जाएगा पर कैसे ये ट्रांसपेरेंसी एक्चुअली खत्म हो रही है उसके बारे में अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कितनी फंडिंग किस पार्टी को मिली तो करीबन नौ करोड़ की फंडिंग टोटल कलेक्ट हुई जिसमें से करीबन पांच करोड़ बीजेपी को मिले कांग्रेस को नौ करोड़ और बाकी सब बाकी पार्टीज में मतलब जो मैक्सिमम बेनिफिट हुआ वो बीजेपी को हुआ और एक और बात आप ध्यान रखना कि एक्चुअली में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा जो कोई आपको बता नहीं रहा होगा तो वो ये है कि जो मैक्सिमम जो फंडिंग आई है वो एक करोड़ की डिनोमिनेशन में है जो इंडिकेट करता है कि एक्चुअली मेजोरिटी नाइनटी फोर परसेंट कॉर्पोरेट फंडिंग थी इंडिविजुअल फंडिंग नहीं थी मेरे को एक बहुत अच्छी बात इस चीज की इस इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड स्कीम की यह लगी थी कि

समझते हैं अभी ली अच्छा इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड स्कीम देखते हैं कि इसमें क्या क्या हैं हैं तो अगर कॉर्पोरेट फंड दे रहा है तो किस लिए दे रहा है कि कहीं ना कहीं उसको सहूलियत हो तो? अब सिंपल है कॉर्पोरेट ने वो एसबीआई से मान लो सौ करोड़ एक अंडरवर्ल्ड थर्ड फ्रंट है जिसने नशा वो जो नशा चला रहा है या स्मगलिंग कर रहा है अब उसने सौ करोड़ की फंडिंग दे दी एक एक्स पॉलिटिकल पार्टी को ठीक है अब उस एक्स पॉलिटिकल पार्टी को जब उसने फंडिंग दी सौ करोड़ की ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेकर तो क्या आपको लगता है कि जो वो पावर में आएगी तो क्या वो नहीं जाएगा एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि वो पॉलिटिकल पार्टी उसको कहीं ना कहीं आराम दे रेगुलेशन में आराम दे उसको कहीं ना कहीं बाइजत बरी कर दे केसेस से और गवर्नमेंट्स के ऑफिसर्स के पास ये पावर होती है राइट और हम देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं कैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर्स वाली कंपनी को कैसे मदद मिलती है राइट तो अब आप सोचिए कि एक बात एक और सोचिए अब कोई हजार करोड़ दे रहा है फंडिंग

उसको ट्रेवल कर रही है बिकॉज आप अगर मैं वोट कर रहा हूँ किसी को और मुझे यही नहीं पता कि उस पॉलिटिकल पार्टी की एक्चुअली कैंपेनिंग में या उसकी गवर्नमेंट की रनिंग में किसका पैसा लगाया और एक्चुअली वो मेरा ख्याल करेगी या वो उस कॉर्पोरेट का ख्याल रखेगी क्योंकि वो कॉर्पोरेट हो सकते मेरे लिए गलत है शायद वो नशा चला रहा है शायद वो स्मगलिंग कर रहा है शायद वो नेचर के खिलाफ जा रहा है तो हाउड आई नो की मेरा जो वोट है वो सही मामले में उस पार्टी को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए बिकॉज जो फंडिंग है वो तो कहीं से स्पॉन्सर्ड है और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की, की प्रायरिटी बन जाएगी तो यहाँ जो वोटर के राइट का कॉन्फ्लिक्ट है यहां बात उसकी थी और इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ था सुप्रीम कोर्ट ने दो में लोकसभा इलेक्शन होने दिए उन्होंने कहा कुछ नहीं कह रहे हम लोग ये चलने दो पर जो जो पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग मिली है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक सील कवर में डोनर डिटेल्स दे देंगे जिसे उनका जो नाम है वो भी बचा रहेगा किसको नाम पब्लिसाइज नहीं होगा पर हमें पता चल जाएगा कि ये सही है या ये गलत ये मतलब फेयर तो है अब उसके बाद इस साल फेब में सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही बता दिया और वो आर्ग्यूमेंट वही दिया जो मैंने आपको दिया आप मुझे जरूर कॉमेंट्स में बताना कि ये आपको समझ में आ रहा है नहीं और कहीं ना कहीं इसमें अगेन जैसे मैंने बोला ना कि इसमें हम पोलिटिकल पार्टी को अगर छोड़ दें इट्स नॉट अबाउट कि मैं बीजेपी के साथ हूं या मैं कांग्रेस के साथ हूं या मैं आम आदमी पार्टी के साथ हूं या मैं किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ हूं इसमें आप ये देखिए एज अ वोटर क्या आपको लगता है कि ये रिस्की नहीं है बहुत रिस्की है ना तो मैं मैं तो बहुत खुश हूं कि इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया गया क्योंकि दिस इज डेफिनेटली एज अ वोटर इट्स वेरी रिस्की फॉर मी और आपके कुछ और आर्ग्यूमेंट्स आपको रैशनल है तो में जरूर बताना Now, अब क्या हुआ है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रिसेंटली जब फेब में सुप्रीम कोर्ट ने बोला एसबीआई को बिकॉज एसबीआई कमीशन साथ में काम कर रहे हैं एसबीआई के पास सारे डिटेल्स हैं बिकॉज दैट द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एवरीथिंग वही केवासी कर रहा है सारे डोनर्स का जो डोनर्स इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद रहे हैं तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप सारा डेटा पब्लिक करिए जिससे इलेक्शंस फेयर हो सके, ट्रांसपेरेंट हो सके और उनको टाइम दिया गया इलेवंथ मार्च तक का अब इलेवंथ मार्च को जब एस ने बड़े बच्चों की तरह ये बोला कि भाई मैं तो होमवर्क नहीं करके आया हूं टीचर तो चंद्रचूड़ जी ने डांट लगा दी अब उन्होंने एक्सटेंशन मांगी एस ने कि भाई हमें जून तक मतलब की एक्सटेंशन दे दो मतलब लोकसभा इलेक्शन हो जाए जो कि अप्रैल में हुए होने वाले हैं। उसके बाद जून में हम दे देंगे सो जो साफ दर्शाता है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है या कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं वो वो जो इंटेंट है वो मिसिंग है ये ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है इस पूरी जजमेंट में आप ये जजमेंट पढ़ सकते हैं ये मैं लिंक आपको दे दूंगा नीचे आप समझ सकते हैं कि जो चंद्रचूड़ जी का जो पूरा रैशनल था

आपको डिटेल्स देनी है नहीं तो कॉन्टेंट ऑफ कोर्ट लगाना पड़ेगा अभी तक तो नहीं कर रहे बट अगर आपने कल नहीं डिटेल्स दी तो कॉन्टेंट ऑफ कोर्ट माना जाएगा दिस इज एंटायर थिंग मुझे लगता है कि एक हिस्टोरिक जजमेंट है और ये लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की और मुझे लगा कि बिकॉज हम इस चैनल पे सोशल अवेयरनेस क्रिएट करते हैं तो मुझे लगता है बिकॉज जनरल इलेक्शंस आ रहे हैं तो फॉर ऑल द ऑडियंस हु आर टर्निंग वोटर्स जो 18 साल के हुए हैं और जो वोट करते हैं और जो वोट करना चाहिए ऑब्वियसली सबको तो जो भी अठारह साल के हैं तो आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन आई बिलीव बहुत जरूरी थी इसलिए मैंने सोचा कि इस पर एक छोटा सा वीडियो बना दू और आपको सिंपल शब्दों में इस पूरी जजमेंट के बारे में और इस पूरे मामले के बारे में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में बता दूं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप थैंक्स यूज कर सकते हैं दिए गए या आप